सेंट टॉय से फाइनली खेलने जा रहे हैं। आज हमारा आखिरी हमारा सुबह सुबह का चेकआउट है, तो हमने सोचा कि चलो शौर्य को उसकी मस्ती करा ही देते हैं। नहीं शौर्य, आगे चल के खेलेंगे। हमको सोना है, खजाना ढूंढना। खजाना? किसका खजाना? शौर्य का खजाना। क्या बना रहे हो? बास्केट भर रहे? अरे वाह, कितनी बास्केट भर रहा है? इतनी डाल रहे हैं शोरू? अरे शोरू आप बना रहे हैं? ऐसा लग रहा है हम चल रहे हैं, पता है? हाँ देख रहा हूँ। मैं अभी लेके जा रही हूँ शौर्य के स्विमिंग क्लासेस। वहाँ पे काफी तेज पानी की लहरें आ रही हैं, तो हमने सोचा शौर्य को स्विमिंग क्लासेस करना है, उसके आँख में पानी नहीं जाएगा। हाँ सही, आप सही, आप मस्त। ओ इतना भी नहीं, देखो मुंह नहीं डालना। अरे वाह, हम सब लोग थोड़ा सा यहाँ पे इंजॉय करने आए हैं सुबह सुबह, क्योंकि आज हमारा 10 बजे यहाँ से चेकआउट है। सो पैकिंग हमने सारी कर ली है। 10 बजे चेकआउट करने के बाद फिर करेंगे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद कार लेके निकलेंगे और एयरपोर्ट की साइड भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, और फिर शाम को 8 बजे हमारी फ्लाइट है, तो 6 बजे एयरपोर्ट तक पहुँचना ही होगा। तो काफ़ी समय है हमारे पास, घूमते फिरते एयरपोर्ट पहुँचेंगे आज। शोरू आपकी बहुत सीधी कर दो, सीधी कर दो, चलेगी। आ गई उधर लहर, चौरे पीछे चली जाएगी। चौरे की बोट कहाँ गई? घूम गई, घूम गई, चौरे पीछे चली जाएगी, पकड़ ले। अब भी चली जा रही है ना भाई, गई। अब के पापा यहाँ केकड़े पकड़ते हुए, वो वाला बड़ा वाला तो कैसल तो देखा ही नहीं आपने? खोदो खोदो मिट्टी खोदो। ये क्या है शोरू? क्या शेल? चले चले अब, क्यों? अब तो गोवा का खत्म हो गया ना, अब ये तो धोना है। धोना है ये? अच्छा धो लो। बस 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 सर, बस निकाल लो, निकाल लो, निकाल लो। हो गई जी, हो गई जी। अरे शौर्य से बाय टू बीच, बीच हम फिर मिलेंगे। बाय। हाँ हाँ, भागो 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 भागो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हो शौर्य के पापा आपके लिए कुछ गड्ढा खोद रहे हैं, देखिए गड्ढा वहाँ से खुलेगा। देखिए कहाँ से खुलेगा? पापा क्या बना रहे हैं शौर्य के लिए? टनल। शुरू यहाँ से लेग निकाले तो वहाँ से निकलेगा बाहर। पापा आए, हटो शुरू। ओहो कुछ फील हुआ, कुछ फील हुआ। चलो अपने सारे सेल तो कलेक्ट करो। ओ बस सर, बोरी बिस्तरा इकट्ठे करके चलते हुए। चलिए हमारा चेकआउट का टाइम आ चुका है, सारा सामान हम लोग ने सेट कर लिया है। अब करेंगे नाश्ता, नाश्ता करने के बाद अपने होटल को बाय बाय। लेकिन वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग कार लेके जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे कुछ कपल ऑफ प्लेसेस, और ये सब करते करते फिर हमारी फ्लाइट का टाइम हो जाएगा, फिर चलेंगे एयरपोर्ट। सो अभी कहीं जाइएगा मत, वीडियो अभी भी बाकी है, देखिए और इन्जॉय करिए।
एक्चुअली हमारा सारा लगेज पैक हो गया है और सारी चेकिंग हो गई है कि कुछ छूटा नहीं है। हमारी तरफ से तो अब हमने सारा सामान अपना पैक कर लिया है। अभी बजे हैं सुबह के 9:30, 10 बजे यहाँ से हमारा चेकआउट है एंड वी आर गोइंग टू मिस दिस व्यू। व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वी हैव एंड रियली अ गुड टाइम, ए क्वालिटी टाइम। हमें एक्चुअली भीड़ भाड़ की दुनिया से थोड़ा सा अलग रहना था, तो आई थिंक अगर आपको थोड़ी शांति पसंद है तो आप साउथ गोवा में आइए, और अगर आप थोड़ा लाइव चाहते हैं तो आप नॉर्थ गोवा चाहिए। हमें तो भाई शांति में जाना था, थोड़ा सुकून लेना था, सो दैट्स द रीज़न वी सेलेक्टेड साउथ गोवा एंड वी आर वेरी हैप्पी। अगोंडा बीच पे आपको बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को नहीं मिलेगा। ये एक्चुअली इट्स अ पर्सनल चॉइस कि आपको कौन सा बीच जाना है, क्राउडेड जाना है, ज़्यादा क्राउडेड बीच नहीं जाना है। अकॉर्डिंग टू अस व्हाट वी हैव सेलेक्टेड इट वॉज परफेक्ट, अच्छा था। सर चलो अपन, जब शौर्य का ओवर हो जाता है ना तो शौर्य कुछ तो भी बोलता है। बैलेंस, शौर्य गिरना नहीं चाहिए, देखते हैं कितने सेकंड। वाह कितने बैलेंस, ऐसे तो बनता नहीं। आप खड़े तो बैलेंस वाली जगह पे ही हो, तो बैलेंस क्या बनाओगे? इसके ऊपर खड़े हो तो बैलेंस बनेगा, आप तो ऑलरेडी बैलेंस वाली जगह पे खड़े हो। बताइए, एनीबॉडी कैन स्टैंड लाइक दिस? आप जा रहे हो, मम्मा नहीं जा रहे? I will miss you. कौन सा सूट है? ले जाओ, नो प्रॉब्लम, मैं यहीं से खरीद लूंगी। हाँ, मम्मा तो ले लेंगे यहीं से। पापा ने उनको बोल दिया कि इनको रेत साफ करनी है, इनको इधर ही रख लो। नहीं, पापा से पापा लास्ट यही बोल कर आ रहे हैं। आबा चलिए, हम निकल रहे हैं अपने होटल से बाहर और शौर्य को सीन ऑफ कर रही हूँ ना। इतना क्यूट लग रहा है ये तो। ले लिया, ले लिया, चल सर भागो नी। लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है, अब निकल चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट रास्ते में एक बीच पड़ता है जहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो हम फिलहाल उसी बीच पे जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या वहाँ वाटर एक्टिविटीज़ है, करेंगे वहाँ पे, ऐसे ही करते करते टाइम हो जाएगा। और शौर्य की एक फरमाइश है, एक चीज़ देखनी है। शौर्य क्या? गोस्ट हाउस देखना है। वो कह रहा है कि बिना गोस्ट हाउस पे क्या करेगा? लेकिन शौर्य को गोस्ट हाउस पे क्या करना है? गोस्ट हाउस पे फोटो खिंचाते हैं। हाँ, शौर्य को अगर मूड दिखना है ना, अंदर जा रहे तो फाइव को बहुत देर तक ऐसे रखना पड़ता है, बहुत देर तक ऐसे भी अगर जाते हैं। आइश है कि मुझे गोस्ट हाउस के सामने फोटो खिंचवानी है। देखते हैं शौर्य की फरमाइश पूरी होती है कि नहीं। यहाँ पे हमने रोड साइड पे अपनी कार लगा दी और यहाँ पे चल रही है हमारी फोटोग्राफी, और शौर्य को हमने एक साइड खड़ा कर दिया है क्योंकि रोड पे गाड़ियाँ आते। कहाँ गया शौर्य? रोड पे गाड़ियाँ आते पता नहीं चलता, इसलिए शौर्य को यहाँ पे खड़ा कर दिया है। और गले का हार हुई मुझे, और बात ना होती अगर तुम ना मिलते, अगर तुम ना मिलते। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे हो, मेरी जिंदगी तुम
गोस्ट हाउस, गोस्ट हाउस गोस्ट दिखा आपको, आपका गोस्ट हाउस दिखा दिया ना आपको, ये देख लिए ना आपने गोस्ट हाउस, फोटो खींच दो शौर्य की, एक गोस्ट शौर्य की गोस्ट हाउस पे फोटो खींच दो। तो अपने गोस्ट हाउस के साथ फोटो खींचनी थी, तो अभी फिलहाल शौर्य के पापा शौर्य को ऐसे ही लेके गए हैं, शौर्य को लेके गए हैं गोस्ट हाउस पे फोटो खींचने के लिए। देखिए शौर्य जा रहा है, वो देखिए शौर्य जा रहा है गोस्ट हाउस के पास फोटो खिंचवाने के लिए। शौर्य की गोस्ट हाउस की फोटो खींच चुकी है। कैसा लगा आपको गोस्ट हाउस, कैसा लगा गोस्ट हाउस के साथ फोटो खिंचवा के? लग रहा नहीं अच्छा लगा, गोस्ट के पास ही रहना, हैदराबाद जाना ही नहीं है। यहाँ तो बहुत सारे गोस्ट हाउस है बताए आपको। अरे हम कौन सा गाना गा रहे थे सर, तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, हर ना का गीत मुझे नजरों से दूर, कितने चलिए तू कितने चलिए तू कितने चलिए, जानता है दिल और जान दिए तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू, कितने चलिए तू कितने चलिए तू कितने चलिए, काटू कैसे राता ओ सावरे जिया नहीं जाता, ओ सावरे कि राता लंबिया लंबिया ने तेरे संग कटिया कटिया आए, कि राता लंबिया लंबिया आए तेरे संग कटिया कटिया आए। हम लोग जा रहे हैं कोलवा बीच, बस कोलवा बीच आने ही वाला है, फिर मैं आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाती हूँ।